देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इस पे दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये बनता है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। पहला क्या बनता है, पानी में घुलनशील विटामिन पूछता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी में घुलनशील कह ले या जल में घुलनशील कह ले, मतलब एक ही होता है जल पानी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जल में घुलनशील पूछ ले, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है दोस्तों, विटामिन बी एंड सी। कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें विटामिन सी दिया है सिर्फ और बी भी होता है। विटामिन बी और सी दोस्तों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील पूछेगा, तो विटामिन विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के भी होता है और विटामिन ई भी क्या होता है दोस्तों, ये जो चार हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील पूछेगा तो बताइएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये वसा में घुलनशील। और पानी में घुलनशील पूछ ले या जल में घुलनशील पूछ ले, तो विटामिन बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील। तो दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, हमेशा ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी पूछा जाता है। प्रश्न है टाइफाइड, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होता है, कौन प्रभावित होता है, आंत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है, मानव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 46 होती है लेकिन ये क्या लिखा है, 23 जोड़े का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 46 हो गया। अगर जो सिर्फ संख्याएं दी रहती तो 46 टिक करते, ठीक है, लेकिन जोड़े का मतलब, जोड़ा में दो होता है, एक जोड़े का मतलब दो, दो जोड़े का मतलब चार, 46 यानी कि क्या हो गया, 23 जोड़े का मतलब क्या दोस्तों, 46। ठीक है, क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। और जोड़ा में पूछे तो दोस्तों आंसर दीजिएगा 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े का मतलब हो गया 46। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस टाइप से थोड़े से कंफ्यूज हो गए, प्रश्न आप गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करिएगा। ठीक है, मानव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होती है, संख्याएं पूछे तो 46 होती है, तो इसे आप दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग चार। भाग चार में क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और पूछा जाता है दोस्तों मूल अधिकार किस भाग में है, तो उसे भी याद रखेंगे दोस्तों, भाग तीन में क्या है दोस्तों, मूल अधिकार। और भाग दो, भाग दो क्या है दोस्तों, नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख किसमें है दोस्तों, भाग दो। और भाग एक में क्या है दोस्तों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को याद रखेंगे। एक बार और समझा देता हूँ, भाग चार क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग तीन आपका क्या है दोस्तों, मूल अधिकार, और भाग दो क्या है दोस्तों, भाग दो है नागरिकता, और भाग एक क्या है दोस्तों, यह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, इसमें आपके चार प्रश्न बन सकते हैं और चारों प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जो धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे प्रश्न ये सब परीक्षाओं में पूछे गए और हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों याद करते हुए चलिए। ठीक है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, हड़प्पा की खुदाई कराकर उस पर सिंधु घाटी पे क्या किया, प्रकाश डाला। ठीक है, कब हड़प्पा की खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने, तो 1921 में, डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है,
भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। शिमला सम्मेलन द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है, 1947 ये डेट भी याद रखेंगे। और दोस्तों शिमला सम्मेलन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ये हुआ था 1945, इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव क्या था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है, 1942, इसका भी डेट याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन बहुत बार पूछा जा चुका है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन प्लान, तो 1946 इसका हो जाएगा डेट, ठीक है। सभी डेटों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, हमेशा ये दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे डेट को आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है नौवा, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, वडोदरा में, वडोदरा यानी गुजरात में, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, हमेशा दोस्तों पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दसवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न, निम्न चार वेदों में से किसमें बुराइयों और बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? किस वेद में मिलता है दोस्तों जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना और मंत्र का उल्लेख, ठीक है, अथर्ववेद याद रखेंगे। ये भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहवा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या था दोस्तों? वज्जी था। और वज्जी की राजधानी दोस्तों क्या थी? वैशाली, ठीक है, वज्जी की राजधानी भी पूछा जाता है, उत्तर भारत का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, और वज्जी की राजधानी वैशाली याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारहवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से, यानी मुंडोपनिषद से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते लिए गए, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेरहवा प्रश्न दोस्तों, देखने से पहले दोस्तों बता दूं आपके लिए दोस्तों, एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको समझाता हूँ तेरहवा प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों, आपके आगामी जो भी परीक्षा होने वाले हैं, जैसे दोस्तों आप आरपीएफ की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, रेलवे, एसएससी की कोई एग्जाम देंगे, या अदर दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक में दोस्तों उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है, तो इस ईबुक को लेके जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इस ईबुक से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। इस ईबुक में साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। इस ईबुक की कीमत मात्र 25 रुपए है, आप इसको ले कहां से सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक मैं दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। डाउनलोडिंग पेमेंट से आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों यहाँ पंचम पब्लिशर का कॉल सेंटर का नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों। इस ईबुक को मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों इस ईबुक को परीक्षा से पहले पहले लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो दोस्त इस ईबुक को ले चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे उनको ये ईबुक कैसी लगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रश्न है दोस्तों, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में